बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो है वो वीक 6 स्टार्ट हो चुका है और हमने वीक 5 के अंदर जो है वो डिजाइन थ्योरी से स्टार्ट लिया था। डिजाइन थ्योरी में हमने क्या चीजें देखी थी कि अगर कोई बड़ा रिलेशन है तो उस बड़े रिलेशन को, और वो ठीक नहीं है, ठीक ना होने से क्या मतलब है कि उसमें कोई अनोमलीज एग्जिस्ट करती हैं। अनोमलीज हमने कौन कौन सी देखी थी? हमने देखा था कि टेबल में रिडंडेंसी हो सकती है, उसमें इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, उसमें इंसर्ट, अपडेट और डिलीट टाइप की जो है ना वो अनोमलीज अकर कर सकती हैं। तो अगर तो टेबल में अनोमलीज अकर करती हैं, इसका मतलब है कि उसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, ठीक है। और नॉर्मलाइज करने के सिलसिले में हमारे पास कुछ मेथड्स हैं कि टेबल को बाद में जब हम डीकम्पोज करके स्मॉल रिलेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो जो स्मॉल रिलेशंस होते हैं दे आर पॉसिबली नॉर्मलाइज्ड। हो सकता है R1 को भी फर्दर आगे डीकम्पोज होने की जरूरत पड़े और फिर इवेंचुअली हम एक ऐसे यूनिट तक पहुंच जाते हैं कि जो नॉर्मलाइज टेबल होता है। तो इस जो पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि जो मेथड है बॉयस्कॉड नॉर्मल फॉर्म का, ये किस तरह से टेबल्स के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है उन्हें डिकम्पोज करने के लिए। अच्छा, तो हमारे पास कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं, कौन सी नॉर्मल फॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनको हमने पढ़ना है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, बॉयस्कॉड नॉर्मल फॉर्म है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म है और फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो जो इंडस्ट्री है वो तकरीबन फर्स्ट और सेकेंड को जो है वो छोड़ चुकी हुई है। तो जो मोस्टली जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो हो रहे होते हैं BCNF और 3NF। फोर्थ जो है वो इसके बाद आता है, 3NF के बाद फोर्थ आता है, फिर फिफ्थ आता है। तो लेकिन ये है कि फोर्थ को तो शायद मैं कवर करूंगी लेकिन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म तक मैं नहीं जाऊंगी, तो वो अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड को भी जो है वो ये कोर्स डिस्कस नहीं करता, लेकिन मैं स्टिल आपको फर्स्ट और सेकंड का एक फ्लेवर दूंगी कि ये किस तरह की नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं। तो हमने इस पर्टिकुलर जो लेक्चर में हमने ये देखना है कि जो बॉयस्कॉड नॉर्मल फॉर्म को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे फॉर DB डिजाइनिंग। ओके, अब बॉयस्कॉड नॉर्मल फॉर्म में क्या है? हमारे पास दो कंसेप्ट हैं, एक है अच्छी FD और एक है बुरी FD। FD का मतलब है फंक्शनल डिपेंडेंसी, जिस जो हमने पास लेक्चर में सीखी थी कि वो क्या होती है। जैसे हमने कहा था कि ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी और बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए। तो हमने जो है वो जो जब भी हमारे पास कोई रिलेशन आएगा, रिलेशन R, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको देखने के लिए नॉर्मल के वो नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं, यानी वो अच्छे डिजाइन में पहले से मौजूद है कि नहीं, क्या हमें उसे कन्वर्ट करने की जरूरत है कि नहीं, हमें पहले उसकी लिस्ट ऑफ FDs को जो है ना वो फाइंड आउट करना है। FD1 कौन सी है उसकी, FD2 कौन सी है और FD3 उसकी कौन सी है, एंड सो ऑन। जितनी भी FDs एग्जिस्ट करती हैं वो आप इसमें से निकाल लें। अब जब ये आपके पास लिस्ट ऑफ FDs आ जाएंगी, अब इसमें से हमने फैसला करना है कि कुछ जो हैं वो अच्छी FDs होंगी और कुछ जो हैं वो इसमें से बुरी FDs होंगी। अब अच्छी FD क्या है? अच्छी FD का मतलब ये है कि लेट्स से मेरे पास ये टेबल था, ये एम्प्लॉय का टेबल था, ठीक है, और इस टेबल के अंदर एग्जिस्ट करती है एक एम्प्लॉय की ID और एम्प्लॉय का जिप कोड कि वो कहाँ पे रहता है और एम्प्लॉय का नेम। लेट्स से ये जो है ना वो तीन एट्रीब्यूट्स इस टेबल में एग्जिस्ट करती हैं। अब पहले तो फाइंड आउट करें कि FD कौन सी है। तो FD मेरे पास इस टाइम बन रही है कि किस इस टेबल में कोई सी भी दो टपल्स की अगर एम्प्लॉय ID सेम होती है तो ये कंफर्म बात है कि उनका नेम भी एक जैसा होगा और वो जिप कोड भी एक जैसा होगा, क्योंकि एम्प्लॉय ID तो यूनिक होती है। तो पूरे टेबल में कोई सी भी दो डिफरेंट टपल्स हैं, अगर उनकी एम्प्लॉय ID एक जैसी आ जाती है तो उनका नाम भी सेम होगा और उनका जिप कोड भी सेम होगा, क्योंकि सेम नाम का जो बंदा है जिसकी ID एक जैसी है वो एक ही जगह पे रहता है। तो ये जो पर्टिकुलर FD है, ये FD क्या हो जाएगी? ये एक गुड FD हो जाएगी, ठीक है। गुड FD का मतलब क्या है कि X इज अ सुपर की, यानी अगर X फंक्शनली डिटरमाइंस A तो X मस्ट बी अ सुपर की। और सुपर की डेफिनेशन क्या है कि अगर हम X का क्लोजर लेते हैं तो हमें जो आउटपुट सेट में वो ऑल एट्रीब्यूट्स आ जाता है। ये हमने की डेफिनेशन देखी थी ना कि क्लोजर लेने से
जो है वो अगर सारी एट्रीब्यूट्स आ जाएं तो हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जो है वो उसकी की है। तो इसी तरह से अगर मैं इसको चेक करूं, इस पर्टिकुलर टेबल में अगर मैं एम्प्लॉय आईडी का क्लोजर लेती हूं, तो एम्प्लॉय आईडी से एक्सट्रैक्ट होने वाली कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स हैं उसमें एम्प्लॉय आईडी भी आ जाती है, उसमें नेम भी आ जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी अगर सेम होगी तो नेम भी सेम होगा, अगर एम्प्लॉय आईडी सेम है तो जिप कोड भी सेम होगा। तो ये तीनों एट्रीब्यूट्स आ जाती हैं, और ये तीनों एट्रीब्यूट्स रिलेशन की सारी एट्रीब्यूट्स के इक्वलेंट हैं, तो ये हमारी जो पर्टिकुलर एफ डी है ये एक गुड एफ डी कंसिडर होगी। इसके अलावा जो भी एट्रीब्यूट्स हमारे पास, जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करेंगी, अगर उनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो की नहीं बनती तो वो बैड एफ डी कंसिडर होगी। ठीक है, क्योंकि अगर वो की नहीं बनती तो इसका मतलब ये है कि वो कोई अपना अलग किस्म की डिपेंडेंस खोल के रिलेशन में बैठी हुई है। जैसे इसी टेबल में अगर मैं एक और एट्रीब्यूट शामिल कर देती हूँ और वो कर देती हूँ एम्प्लॉय स्टेट का, ठीक है, तो अगर एम्प्लॉय स्टेट आ जाता है तो अब चार एट्रीब्यूट्स होने से एक और एफ डी का इस रिलेशन में इजाफा हो गया है। वो रिलेशन क्या है, वो एफ डी क्या है कि एम्प्लॉय की जिप से एम्प्लॉय का स्टेट निकल सकता है। अगर आप इस एफ डी को कंसिडर करें तो क्या बात करिए, अगर कहीं पे जिप कोड सेम आता है तो उस उधर स्टेट सेम होगा। ये बात बिल्कुल वैलिड है, इसका मतलब है कि ये एफ डी भी सही एग्जिस्ट करती है। लेकिन अब हुआ क्या है कि इस एफ डी में मसला ये है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर आप इसका क्लोजर लें ई एम पी जिप का, ये मैंने क्लोजर लिया, तो क्लोजर लेने से मेरे पास सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स आ रही हैं, एक ई एम पी जिप और ई एम पी स्टेट, जिसका मतलब ये है कि ये जो है ये की नहीं है, ये चूंकि की नहीं है तो मैं इसको जो है वो बैड एफ डी कंसिडर करूंगी। ठीक है, होपफुली बात क्लियर हो गई होगी कि हमने अपने रिलेशन में से एफ डीज निकाल लिया और फिर उसमें से गुड और बैड को अलहदा अलहदा कर लेना, और हमने कोशिश ये करनी है कि ये जो बुरी एफ डीज हैं ये हमने अपने टेबल से ख़त्म करनी है, क्योंकि ये इसलिए ख़त्म करनी है क्योंकि ये अनोमली प्रोड्यूस कर रही होंगी। क्योंकि अब आप ये देखें कि अगर इस पर्टिकुलर रिलेशन में अगर मैं एंट्री एम्प्लॉय की दो दफ़ा डालती हूँ, लेट्स से 123 एम्प्लॉय आईडी था, उसका जिप कोड लेट्स से 245 समथिंग है, और उसका स्टेट 245 के अगेंस्ट कोई भी बनता है, चले अभी हम अपने मुल्क की बात कर लेते हैं, तो हो सकता है हमारे स्टेट में पंजाब बन जाता है, ठीक है, और उसके बाद जिप हो गया, स्टेट हो गया, और एम्प्लॉय का नेम जो है वो अली है। अब आप ये देखें कि जहाँ कहीं पे भी इवन के अगर कोई नया एम्प्लॉय आ जाता है 253 और वो भी सेम स्टेट में रहता है, तो उसके आगे भी वही जो है वो इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट हो रही होगी जो कि यहाँ पे मौजूद है। सो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये अनोमलीज प्रोड्यूस कर रहा है, ये रिडंडेंसी ऐड कर रहा है आपके टेबल में। तो बुरी एफ डीज का यही मतलब है कि ऐसी डिपेंडेंसीज जो कि टेबल में अनोमलीज पैदा करती हैं, तो हमारा गोल भी यही होता है कि हमने इनको रिमूव करना है। अच्छा, अब बी सी एन एफ क्या कहता है, बी सी एन एफ ये कहता है, और वो अनोमलीज को रिलेशन में किस तरह ख़त्म करता है, वो कहता है कि कोई भी रिलेशन आर है और आपसे पूछा जाता है क्या ये बी सी एन एफ में है कि नहीं, बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं, तो उसका तरीका क्या है कि आप देखें कि उसकी जो लिस्ट ऑफ एफ डीज हैं, अगर तो उस लिस्ट ऑफ एफ डीज में जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, अगर वो आर की है, की बनती है, तो हम कहेंगे कि हाँ जी वो बी सी एन एफ के अंदर रिलेशन है। लेकिन अगर हमें इस रिलेशन की कोई भी ऐसी एफ डी मिल जाती है जो कि इसको वॉयलेट कर रही है, तो फिर हम कहेंगे ये रिलेशन बी सी एन एफ में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करें कि नॉन ट्रिवियल एफ डीज की हम बात करें हैं, ऐसी एफ डीज जिनकी राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि इफ ए फंक्शन डिटरमाइंस बी देन बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, ये हमारे पास जो है वो नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन है। और जैसे अगर इस तरह से मैं बात कर लूँ कि एम्प्लॉय आई डी ऑल्सो डिटरमाइंस एम्प्लॉय आई डी, किसी भी टेबल की दो टपल्स में अगर एम्प्लॉय आई डी सेम होगी तो उसकी आगे एम्प्लॉय आई डी भी सेम होगी, तो ये ट्रिवियल डिपेंडेंसीज कहलाती हैं। तो हमने सिर्फ वो वाली डिपेंडेंसीज कंसिडर करनी है जो कि नॉन ट्रिवियल होंगी।
तो अगर तो हमारे पास इस रिलेशन में सारी FTs ऐसी हो गई हैं कि जिनकी लेफ्ट हैंड साइड की बन जाती है और कोई बैड FT नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो रिलेशन जो है वो BCNF के अंदर जा चुका है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास यही एम्प्लॉय का टेबल था, इसमें नेम है, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर है, फोन नंबर और सिटी है। और फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास के सोशल सिक्योरिटी नंबर अगर किसी का सेम होता है तो उसका फोन, उसका नाम भी सेम होगा और उसका सिटी भी सेम होगा। ठीक है, जैसे फ्रेड है, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर एक जैसा है तो उसकी सिटी वाले कॉलम में भी सेम वैल्यूज है। इसी तरह से जो के केस में भी सेम है, लेकिन चूंकि नंबर एक से ज्यादा हो सकते हैं किसी बंदे के, तो इस पर्टिकुलर SSN में जो फोन नंबर है उसके दो हैं, फ्रेड के और जो के भी दो हैं। तो अब ये जो है, ये FT बैड है कि गुड है, इस बात का आप फैसला करें। वो किस तरह से फैसला आप करेंगे कि आपको ये देखना है कि SSN का क्या क्लोजर लेने से मेरे पास सारी एट्रीब्यूट्स आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो SSN आ गया, SSN से नेम और सिटी आ गया, और हमारे पास और कोई ऐसी FT नहीं एग्जिस्ट करती जो कि फोन नंबर को इंक्लूड कर सके, तो चूंकि ये की नहीं है तो ये जो है वो हमारे पास बैड FT जो है वो बनती है। ठीक है, तो जब ये बैड FT है, इसका मतलब है ये है कि ये रिलेशन जो है वो BCNF के अंदर नहीं है। तो अब इसकी रिलेशन की की क्या बनेगी हमारे पास, वो की हमें इससे नजर आ रहा है कि चूंकि SSN से तीन एट्रीब्यूट्स मिल जाती हैं, तो जो एट्रीब्यूट हमें नहीं मिल रही वो है फोन नंबर। तो इसकी की हम बना सकते हैं SSN विद फोन नंबर। तो कॉम्पोजिट की अगर हम ये इस्तेमाल कर लें तो ये पर्टिकुलर जो एट्रीब्यूट्स हैं ये पूरे टेबल की टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं। यानी अगर मैं SSN और फोन नंबर बता दूं तो मुझे सिर्फ एक मखसूस टपल ही आउटपुट में मिलेगी, मुझे दो नहीं मिलेगी। यहाँ पे SSN की नहीं है क्योंकि SSN से जो है वो इस टाइम पे दो जगह पे भी डुप्लीकेट हो रहा है, तो मुझे फोन नंबर को ऐड करना पड़ा ताकि एक सिंगल टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। अब उसकी डिकम्पोजिशन हमने की है, किस तरह से की है वो देखें। कि पहले तो आप ये पिक कर लें कि जो बैड FT है वो कौन सी है। तो हमें ये पता चल गया कि ये वाली FT, जो एक बड़ा रिलेशन जब हमने देखा था, मेगा रिलेशन, जिसके अंदर नेम, SSN, सिटी और फोन नंबर चार एट्रीब्यूट्स थी, ये उस रिलेशन की FT थी। अब ये चूंकि वॉयलेट कर रही थी, तो हम करेंगे ये कि इस पर्टिकुलर FT की जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको मिलाकर हम एक अलग टेबल बना देंगे। हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, पहले आर रिलेशन था, अब हमने उसको डिकम्पोज किया है R1 और R2 में। हमने उसकी सारी एट्रीब्यूट्स का एक अलग रिलेशन बना दिया, और इसकी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और बाकी जो रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स बचती हैं इसके अलावा, राइट साइड के अलावा, हमने इसका अलग रिलेशन बना दिया। तो ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, इन्हें मैं रिपीट कर रही हूँ, हमने क्या किया, हमने इस FT को पिक किया, इनकी सारी एट्रीब्यूट्स का एक रिलेशन बना दिया, और उसके बाद हमने क्या किया कि इस एट्रीब्यूट और रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स जो बचती हैं हमने उसका अलग रिलेशन बना दिया। उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि क्या R1 अभी भी BCNF में है कि नहीं है, और R2 को भी चेक करेंगे कि क्या वो BCNF में है कि नहीं। R1 को जब हम चेक करते हैं तो R1 की हमें पहले FTs चाहिए। वो FDs क्या है हमारे पास इस टाइम पे, वो हमें नज़र आ रहा है कि अगर SSN किसी का सेम होता है तो उसका नेम और सिटी सेम होगा। इसके अलावा कोई और FDs में एग्जिस्ट जो है वो करती नज़र नहीं आ रही, ना नेम और ना सिटी के साथ कुछ बन रहा है जोड़। तो अगर सिर्फ यही FD एग्जिस्ट करती है और इस FT की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो की है, तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन जो है वो तो सक्सेसफुली हमारे पास जो है वो उसमें चला गया, BCNF के अंदर है, हमें इसको फर्दर डिकम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा रिलेशन है इसको अब हम देखें, तो इसके अंदर हमारे पास कौन सी FD एग्जिस्ट करती है। तो वैसे ही जब रिलेशन में सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स रह जाएं तो लॉ ये कहता है कि वो ऑलरेडी BCNF के अंदर आ चुका है। ठीक है, ये लॉ शायद हम आगे जाके अभी मैं आपको बताऊं भी कि वो क्या होता है, लेकिन टू एट्रीब्यूट रिलेशन इज ए BCNF रिलेशन, तो ये भी जो है वो BCNF में आ गया है, तो इसको भी फर्दर डिकम्पोज होने की जरूरत नहीं है। तो अब ये जो दोनों इंडिविजुअल टेबल्स हैं, ये दोनों ही अच्छे टेबल्स हैं, ये अच्छे डिजाइन हैं। क्यों? क्योंकि ये अनोमलीज प्रोड्यूस नहीं करे। आप इसको चेक भी कर सकते हैं
कि आप कितने सक्सेसफुल हुए हैं BCNF को अप्लाई करके टेबल को अनोमली से दूर करने के लिए। अच्छा, अब इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं कि BCNF ऐसे कर क्या रहा होता है। अगर आपको कोई रिलेशन R मिल जाता है तो BCNF कैसे अप्लाई होगा? फाइंड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एक्स सच दैट एक्स का क्लोजर लेने से वो एक्स के बराबर ना हो और एक्स का क्लोजर लेने से वो सारी एट्रीब्यूट्स ना आए। इसका क्या मतलब है कि आप वो वाली एट्रीब्यूट्स ढूंढ रहे हैं जो कि आपको की नहीं बन रही है आपकी, ठीक है। एक्स क्लोजर इज नॉट ऑल एट्रीब्यूट्स, यानी वो एट्रीब्यूट्स जो कि कीज नहीं बन रही। अब क्या है कि फाइंड अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एक्स विच हैज नॉन ट्रिवियल बैड FDs। अब आपने वो वाली एट्रीब्यूट्स ढूंढनी है जो कि बैड FDs में शामिल हैं, दैट इज दे आर नॉट सुपर की। क्लोजर लेने से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, हमने ऐसे ही कहा था ना कि यहाँ पे A1, A2 और AN हो सकता है, इसी तरह से दूसरी साइड पे B1, B2 एंड सो ऑन BM तक कोई वैल्यूज हो सकती हैं। तो हमने वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स देखनी है कि जिनका क्लोजर लेने से वो की ना बनती हों, तो वो बैड FDs ढूंढनी है बेसिकली। तो अगर तो नहीं मिलती कोई भी बैड FD, हमें नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि रिलेशन जो है वो BCNF में ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर एल्स के केस में अगर वो आपको मिल जाती हैं तो हमें R को डिकम्पोज करना पड़ेगा एक्स के क्लोयर से, यानी कि जो हमने किया था वो एट्रीब्यूट जो बैड FDs थी उसकी सारी जो भी उसमें शामिल हो रही थी वो सब हमने रिलेशन R1 में रख दिया था, और R2 में हमने उस एक्स को बाकी सारी रेस्ट ऑफ दी एट्रीब्यूट्स के यूनियन के साथ रख दिया था, जहाँ पे हमने किया था SSN और फोन नंबर के साथ। और जब हम डिकम्पोज कर देंगे उनको तो फाइनली अब हमने दोबारा BCNF को कॉल करना है R1 पे दोबारा और R2 पे दोबारा, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि R1 और R2 BCNF में जा चुके हैं कि नहीं, ठीक है। तो उसको रिकर्सिवली करते रहेंगे तब तक के जब तक के हमें सारी हमारी जो बुरी FDs हैं वो ख़त्म नहीं हो जाती। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एक रिलेशन है, उसके अंदर दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज मेंशन है। अब यहाँ से हम स्टार्ट होंगे, हम ये देखेंगे पहले तो ए का क्लोजर लें हम, तो ए का क्लोजर लेने से हमारे पास क्या आएगा? पहले तो ए भी आ जाएगा, और चूंकि उससे बी सी भी ड्राइव हो रहा है तो बी और सी आ जाएगा, सी से जो है वो डी भी आ जाएगा क्योंकि ये सेकंड एग्जिस्ट कर रही है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो अब चूंकि ये क्लोजर आ गया है लेकिन इट इज़ नॉट इक्वल टू ऑल एट्रीब्यूट्स, ये सारी एट्रीब्यूट्स के इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें ई मिसिंग है। इसका मतलब यह है कि ये एक तो बैड FD हो गई, ये हमें पता चल गया। इसी तरह से अगर हम दूसरी FD का भी क्लोजर लें तो आपको अब अंदाज़ा ये होगा कि मैं अगर C का क्लोजर लूँ तो मेरे पास C और D आता है और बस कहानी ख़त्म। इसका मतलब ये है कि ये भी जो है ये बैड FD है। तब इन दोनों में से आपने कौन सा पिक करना है? अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको कहाँ से लेकर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है अगर हम पहली FD को पिक करते हैं डिकम्पोज करने के लिए। तो हमने ये किया कि A और BC ये जो इसकी बन रही थी क्लोजर लेने से एट्रीब्यूट्स, तो हमने कहा था कि हम X के क्लोजर का एक टेबल R1 अलहदा बना लेंगे जो कि इसके क्लोजर लेने से ABCD आता है, तो ये R1 का रिलेशन बन गया विद ABCD एट्रीब्यूट्स। और जो दूसरा रिलेशन है R2, उसको हमने कहा था कि एक्स यूनियन रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स, एक्स हमारे पास है ए और रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स बनता है ई, तो फिर सेकंड रिलेशन जो है वो ए और ई के ऊपर कंपोज कर रहा है। अब हमने अगेन रिकर्सिवली कॉल करना है। अब यहाँ पे R1 के ऊपर चेकिंग हो गई, पहले R1 की FDs निकालें। अगर हम देखें इसमें तो एक FD तो हमें नज़र आ रही है कि ए से बी सी, ठीक है, और सी से डी जो हमें गिवन है हम उससे ड्राइव कर रहे हैं, तो ये दोनों इस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रही हैं। और R2 की हमारे पास कौन सी हैं मौजूद? तो R2 की कोई FDs नहीं है, ये दोनों अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि इसमें B और C और D है जो कि इसमें मौजूद नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये चूंकि ऑलरेडी BCNF में टू एट्रीब्यूट में चला गया हुआ है तो ये BCNF में है, तो ये इससे आगे इसको डिकम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर आते हैं पहले
तो अब जब हमने इनकी FTs देख ली हैं, तो अगेन A का क्लोजर लेने से हमें पता चल गया कि वो A, B, C और D आ जाएगा. लेकिन अब इस पर्टिकुलर रिलेशन में जो जिसमें चार एट्रीब्यूट्स हैं A, B, C, D, ये एक अच्छी FD बन गई है. ये अच्छी FD क्यों बन गई है? क्योंकि A का क्लोजर लेने से सारी एट्रीब्यूट्स आ गई हैं, तो हम इसको अब कंसिडर नहीं कर सकते. अब हम अगली FD को देखेंगे कि C के हिसाब से जो है वो क्या होगा. तो C का क्लोजर लेने से C और D आएगा बस, और चूंकि C जो है वो इस रिलेशन की की नहीं बन रही, तो इसका मतलब है इसको मजीद आगे डीकम्पोज होने की जरूरत है बेस्ड ऑन दिस FD, क्योंकि ये बैड FD है. सही है. अब ये जो बैड FD है, तो हम फिर इसके दो पोर्शन बनाएंगे, ये R2 है, R3 और R4 बनेंगे. और आर जो हमारे पास, या इसको R11 कह दें कि हमने 1 को फर्दर ब्रेक डाउन किया है. तो एक तो हम करेंगे X और उसके क्लोयर में जो भी एट्रीब्यूट्स आती हैं, यानी कि X के जो क्लोयर के ऊपर हमने रिलेशन इसका डिवाइड कर दिया. तो X का क्लोयर CD बनता है, CD हम इधर भेज देंगे. और फिर बाकी रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स कौन सी बचती हैं? A, B और साथ उसके C लग जाएगा. तो A, B, C जो है वो R12 बन जाएगा. ये आपका X होगा, ये रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स होंगे. अब अगेन रिकर्सिवली कॉल करें, ये वाला जो रिलेशन है ये ऑलरेडी बी सी एन एफ के अंदर है, क्योंकि ये टू एट्रीब्यूट रिलेशन है. और फिर हम R11 में जाएं, अगर तो R12 में जाएं, अब इसकी एफ टीज फाइंड आउट करें. तो इसकी एफ टीज बनती हैं ए से बी सी, लेकिन सी से डी एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि डी यहाँ मौजूद नहीं है. अब इस एफ टी को अगर आप चेक करें, तो इसमें चूंकि ए का क्लोजर लेने से ए बी सी ही आ रहा है, तो ये गुड एफ डी है. इट मीन्स कि इस रिलेशन को आगे फर्दर ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है, तो ये रिलेशन भी बी सी एन एफ में चला गया है. तो अब जो हमारे पास वहां पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो सॉल्यूशन बन रहा था, वो आपके फाइनल रिलेशंस बन रहे थे, जो कि आपके यूनिट के ऊपर रिलेशंस मौजूद हैं, जो कि R11, R12 और मेरे ख्याल से वो R2 रिलेशन था ए ई वाला. अब ये तीन रिलेशंस हैं जो आपने अपने मेगा रिलेशन R को ब्रेक डाउन करके बनाए हैं. तो ये जो फाइनल रिलेशंस हैं, ये आपके अच्छे डिजाइन के ऊपर बने हुए हैं, ये बी सी एन एफ के ऊपर मौजूद होंगे और इनमें कोई अनोमली एग्जिस्ट नहीं करती होगी. तो कंसेप्चुअल डिजाइन जो है वो क्या कहता है कि मेगा रिलेशन आप लें, उसमें से बैड डिपेंडेंसीज ढूंढें और डिकम्पोज करते जाएं. अब ये लॉसलेस क्या है, ये वही बात है कि अगर तो R11 और R12 का ज्वाइन लेने से हमें वापस R1 रिलेशन मिल जाता है, तो ये लॉसलेस ज्वाइन होगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि इफ एनी कीप डीकंपोजिंग लॉसलेस द टेबल इनटू सब टेबल्स अंटिल नो मोर बैड डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट. ये हम काम कर रहे हैं, और जब काम पूरा हो जाए, तो फिर हम कहेंगे कि हमारा जो पर्टिकुलर स्कीमा है वो नॉर्मलाइज हो चुका है. तो ये जो R1, R2 रिलेशन था, ये नॉर्मलाइज्ड स्कीमा हमारा बना. अच्छा, एग्जांपल ये जो हम पहले देखते रहे, इसको अब हम जरा दोबारा देखते हैं और ट्राई करते हैं कि क्या इसके ऊपर हमारा जो BCNF का एल्गोरिदम है वो सही चलता है कि नहीं चलता. तो इसकी जो FDs हैं वो पहले हमें पता होनी चाहिए. FDs हैं हमारे पास क्लास से रूम और टाइम, और रूम से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड. अब जब हम इसकी एफ टीज निकालते हैं, स्कीमा ये आ गया, हमने भी ये चेक करना है कि क्या ये एफ टीज जो हैं वो इनका क्लोजर लेने से मतलब क्या होता है, तभी हमें अंदाजा होगा ना कि गुड और बैड एफ टीज हैं कि नहीं. तो आप इसको ना पॉज करके, पहला तो ये है कि आप खुद ही इस एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करें और फिर देखें कि आपके फाइनल रिलेशन क्या बनते हैं और यहाँ पे क्या डिस्कस हुआ है. तो क्लास का क्लोजर लेने से हमारे पास जो है वो क्लास आएगा, रूम आएगा और टाइम आएगा, और रूम से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी निकल रहे हैं, तो वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी इसमें आ जाएगा. अब क्या ये सारी एट्रीब्यूट्स हैं कि नहीं, इसमें SID नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो बैड FD हमारी एग्जिस्ट कर रही है. अब इसको हम डिकम्पोज करेंगे. तो बैड FD में हमने कहा था कि क्लोयर का अलग टेबल बना देंगे, तो इन पाँच एट्रीब्यूट्स का तो अलग टेबल बन जाएगा एक, ठीक है. और फिर इसके साथ रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स जो कि SID बचती है, तो क्लास और SID का R2 का अलग रिलेशन बन जाएगा. अब ये रिलेशन टू रिलेशन है, तो ये ऑलरेडी इन BCNF है,
और ये जो आर वन है, अब इस आर वन की हमें फर्दर आगे डिपेंडेंसीज को फाइंड आउट करना है। तो अच्छा, अब इसमें जो है वो हमने उसके हिसाब से तो कर दिया। अब आगे जब आप इसमें निकालेंगे एफ टी, तो हमारे पास निकलेगी रूम से निकल रहा था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जब आप रूम का क्लोजर लें इस पर्टिकुलर रिलेशन में, अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्लास से रूम और टाइम, वो तो जो एफ टी, दो एफ टीज निकल रही थी ना, एक तो ये वाली जो कि क्लास से क्लास रूम टाइम जो ये गिवन है, लेकिन रूम से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी निकल रहा था, तो ये भी इसके अंदर आ गया। लेकिन ये जो पर्टिकुलर फंक्शन डिपेंडेंसी जो बचती है, इससे चूंकि सारी एट्रीब्यूट्स आ रही थी आर वन की, तो ये इसका मतलब है कि बैड एफ टी नहीं है हमारी सेकेंड आइट्रेशन के लिए। तो लेकिन इसमें एक और एफ टी अभी एग्जिस्ट कर रही है, विच इज रूम से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। और अगर हम रूम का क्लोजर लेते हैं तो सिर्फ रूम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आता है, जिसका मतलब यह है कि ये बैड एफ डी है, इसको फर्दर ब्रेक डाउन होना है। तो जब आर वन को हम मजीद ब्रेक डाउन करेंगे, तो आर वन आपका इस बैड एफ डी को जो पिक किया है इसके क्लोजर की एट्रीब्यूट्स के, और जो है वो रूम और रेस्ट ऑफ दी एट्रीब्यूट्स के साथ होंगी, वो बन जाएगा आर वन टू और आर वन वन। ठीक है, अब मजीद अब आप दोबारा इसको चेक करेंगे कि क्या आर वन वन बी सी एन एफ में है कि नहीं, और आर वन टू बी सी एन एफ में है कि नहीं। आर वन वन में तो अब एक ही डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, रूम से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और रूम का क्लोजर लेने से वही रिलेशन आ रहा है। तो आर वन वन तो बी सी एन एफ में आ चुका है, लेकिन आर वन टू को अगर हम देखें तो आर वन टू में भी हमारे पास एक ही एफ डी इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही है, वो है क्लास से रूम और टाइम, और जो कि गुड एफ डी है क्योंकि क्लास जो है वो की है इस आर वन टू के रिलेशन की। तो इसका मतलब है कि ये भी बी सी एन एफ में आ चुका है। तो जो हमारे पास फाइनलाइज स्कीमा बन रहे हैं वो आर टू, जो यूनिट एंड पे हमारे पास फाइनल हुए हैं, और आर वन टू और आर वन वन। और यही सेम रिलेशन है जो आपको याद हो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर यही बनाए थे, और हमने कहा था कि इनमें अब उस तरह की डिपेंडेंसी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही जिस तरह की पहले कर रही थी। और ये अब आप देखें कि बी सी एन एफ से भी हमें वही रिलेशन जो है वो मिल रहे हैं, और इन जो रिलेशन ये जो बने हैं इनमें वो अनोमलीज एग्जिस्ट नहीं करती जो पहले मेगा रिलेशन में एग्जिस्ट कर रही थी। अच्छा, बी सी एन एफ के साथ मसला है, वो मसला क्या है वो अब हम देखते हैं, जिसको हमने टाइटल में भी लिखा था कि एफ टी को प्रिजर्व करने का काम क्या ये कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो लेट्स डिस्कस। सो लेट्स से हमारे पास ये टेबल है यूनिट कंपनी और प्रोडक्ट का, और यूनिट से जो हमारे पास एफ टी आ रही है वो यूनिट से कंपनी आ रही है, और कंपनी और प्रोडक्ट के कलेक्टिव होने से यूनिट आ रहा है। ये दो एफ टीज एग्जिस्ट करती हैं। तो अब बी सी एन एफ में इसने कन्वर्ट होना है कि नहीं होना, तो पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट का क्लोजर लेने से हमारे पास क्या आता है। यूनिट का क्लोजर लेने से यूनिट और कंपनी आ रही है, प्रोडक्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि ये बैड एफ टी है। हम इसी के ऊपर डिकम्पोज करते हैं इसको, और यूनिट और कंपनी का इस तरह से एक अलग रिलेशन बन जाएगा, यूनिट के क्लोजर की एट्रीब्यूट्स का और यूनिट और रेस्ट का जो है वो अलग बन जाएगा। तो ये दो टेबल्स बन गए, और दोनों टू एट्रीब्यूट रिलेशन है, तो दोनों बी सी एन एफ में आ गए। अब इनमें दोबारा चेकिंग कर रहे हैं अब वो क्या है। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक एफ डी जो है वो हमसे मिस हो गई ही है। ब्रेक डाउन करते हुए जो फाइनल रिलेशंस बने हैं उसमें ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये हम लूज कर चुके हैं। इसको जरा थोड़ा सा पॉज करके सोचें कि ये इन्फॉर्मेशन जो कि हमें प्रोवाइडेड थी कि कोई सी भी दो टपल्स जहाँ पे कंपनी और प्रोडक्ट सेम होता है वहाँ पे वो यूनिट भी सेम ही होगा, ये वाली बात अब हम कहीं पे भी अप्लाई नहीं कर सकते, ना इस रिलेशन में ना इस रिलेशन में। तो ये एफ डी सिरे से ही ख़त्म हो गई है, तो हमने ये एफ डी लूज कर दिया है। ये एक प्रॉब्लम है जो हमें बी सी एन एफ में फेस करनी पड़ सकती है कि हम इवेंचुअली ऐसे यूनिट रिलेशन पे पहुंच जाएं कि हमारी एफ डी ही लूज हो जाए। तो अब ये प्रॉब्लम क्यों है, इसका क्या मतलब है कि एफ डी लूज हो गई, अब इससे क्या होगा, इसे देख लेते हैं। अब ये जो हमने रिलेशंस को ब्रेक डाउन किया हुआ है, ठीक है, नॉर्मलाइज किया हुआ है, अब इनको हम चेक करते हैं कि अभी तक तो लोकली इनके इंटरनली सारी चीज़ें ठीक है। यूनिट के आगे कंपनी लिखी हुई है, इस यूनिट के आगे कंपनी लिखी हुई है, यहाँ पे यूनिट के आगे इसका प्रोडक्ट, और जो है वो इधर भी यूनिट के आगे प्रोडक्ट लिखा हुआ है। इसके अंदर यूनिट से कंपनी बिल्कुल वैलिड एफ डी है कि यूनिट का नाम किसी भी दो टपल्स में सेम अगर होता है तो कंपनी सेम है, ये इस टेबल पे एग्जिस्ट कर रही है।
लेकिन अब अगर हम इनको वापस एक टेबल में लेके जाते हैं, ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं ये एज सच, तो ये टेबल बनेगा। अब इस टेबल के अंदर अगर आप चेक करें तो क्या ये वाली FT एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, यानी जहाँ कहीं कंपनी और प्रोडक्ट सेम हो उनका यूनिट सेम है कि नहीं। तो ये देखें, यहाँ इस पर्टिकुलर रो में UWO डेटाबेस है, इधर भी UWO डेटाबेस है, लेकिन इनका यूनिट डिफरेंट है, तो इसका मतलब है काम खराब हो गया। बात है, शायद आप फॉलो करें कि हमने रिलेशंस को ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने से हमें अंदाजा हुआ कि कहीं पे भी ये वाली FD जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रही उन सब रिलेशंस में, जिसका मतलब यह है कि उनका जब आप वापस ज्वाइन लेंगे तो वो जो उसका मेन रिलेशन है वहाँ पे वो भी इंफॉर्मेशन लूज हो चुकी होगी। हालांकि पहले ये इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब ये जो ज्वाइन लेने के बाद जो है वो वाली सेम बात डेटाबेस के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रही जो कि पहले एग्जिस्ट करती थी। इसको हम कहते हैं कि FD लूज होना, ये FD प्रिजर्वेंस के FD प्रिजर्व नहीं हुई। तो BCNF के ये एक मसला इसमें शामिल है कि नॉर्मलाइज तो टेबल बड़े अच्छे हो जाते हैं, उनमें नॉर्मलीज भी खत्म हो जाती है, लेकिन FDs लूज होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? वी स्टार्टेड विद द टेबल आर, FDs एफ सेट ऑफ FDs है, टेबल आर है, हमने उसको BCNF टेबल्स R1 R2 में कन्वर्ट किया उनकी अपनी FDs के साथ। We inserted some tuples into each of the relations which satisfy their local FDs. Locally, वो जो हमने सैम्पल या वैसे टपल्स जो हैं वो अपने जो नॉर्मलाइज स्कीमा में डाली हैं, लोकली वो बिल्कुल सही थी, उनकी FDs के हिसाब से उनमें कोई मसला नहीं था, लेकिन जब हमने उनको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया तो उन्होंने अक्रॉस टेबल्स जो है वो FDs को वॉयलेट करना शुरू हो गए। तो ये हमारा मसला है। तो अब क्या है? टू एनफोर्स FD मस्ट रिकंस्ट्रक्ट आर ऑन ईच इंसर्ट, कि अगर हम चाहते हैं कि हम FD को एनफोर्स करें, यानी फोर्सफुली ये कहें कि इस टेबल में ये FD मस्ट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो हमें हर इंसर्ट के बाद दोबारा से अपने रिलेशन को बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपनी उस FD जो कि मिस हुई हुई थी उसमें कोई भी एंट्री आती है तो पिछली प्रीवियस एंट्रीज के हिसाब से उसमें जो भी चेंजेस आती हैं वो हमें करनी पड़ेंगी। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि अगर FDs लूज हो जाए तो फिर हमें इस तरह से उनकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना पड़ेगा कि हर नई टपल इंसर्ट होने के ऊपर पिछली टपल्स के साथ उसकी मैचिंग और रीजनरेशन ऑफ टेबल्स करना पड़ेगा, टेबल्स या उसकी इंफॉर्मेशन को, ताकि वो वाली FD जो कि लूज हुई थी BCNF में कन्वर्ट करने से वो जो है वो वॉयलेट ना हो। अब सॉल्यूशंस क्या हो सकता है कि कई तरीके हैं कि डिकम्पोजिशन जो है वो लॉसलेस जो है वो हो और कोई FDs लूज ना हो। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो ये है कि हम डिकम्पोज इस तरह से करें कि FDs आपकी खत्म ही ना हो। तो अब ये काम करने के लिए हमारे पास और नॉर्मल फॉर्म्स भी होती हैं, कुछ ऐसी नॉर्मल फॉर्म है जो FD प्रिजर्वेंस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वहाँ पे हो सकता है कुछ हद तक आपको अनोमलीज बर्दाश्त करनी पड़ जाए। अगर आप FDs को प्रिजर्व करते हैं तो शायद अनोमलीज के कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो इसी तरह से अगर आप अपनी अनोमलीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो फिर FD लॉस आपको मिल जाएगा और फिर आपको FD की ट्रैकिंग के लिए कोई काम करना पड़ेगा। तो यूजुअली वही बात है कि ट्रेड ऑफ है डेटा अनोमलीज के पीछे और FD की प्रिजर्वेंस के बीच में, कि आपको ये देखना पड़ता है कि आपको कहाँ पे जो है ना वो ज्यादा सहूलत चाहिए, अनोमलीज के केस में या FD के केस में। तो समरी ये है कि जो हमने अभी तक देखा, हमने कहा कि BCNF बड़ा एलिगेंट तरीका है जिससे जो है वो आप रिडंडेंसी खत्म कर देते हैं, लेकिन BCNF में हमने क्या देखा कि हमें FDs लूज हो गई हैं। FDs लूज होने के लिए हमें जो है वो मे बी कोई और नॉर्मल फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़े, और फिर हमें ये देखना होगा कि हम वो वाली नॉर्मल फॉर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं या BCNF को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये हमारी मर्जी होगी जहाँ पे हम ट्रेड ऑफ लेना चाह रहे हैं।